नमस्कार, मैं हूं जसवंत सिंह निषाद, एकलव्य मानव संदेश का संपादक। आप देख रहे हैं एकलव्य मानव संदेश डिजिटल चैनल, जिसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कैसे भाजपा के शासन में वीरांगना फूलन देवी की, जब अटल बिहारी की सरकार थी, उस वक्त संसद सत्र के दौरान हत्या हुई थी। और आज जब जिन्ना का जिक्र आया है तो उसके ऊपर भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी किस तरह से वीरांगना फूलन देवी को अपमानित करने के लिए बोल रहे हैं टीवी चैनल पर, ये आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आज इस कंडीशन में समाज जहां दबा कुचला है, वीरांगना फूलन देवी की हत्या की जाती है, उस समाज को आज आरक्षण की बहुत ज़रूरत है। वीरांगना फूलन देवी आरक्षण के लिए संघर्ष करती रही हैं, उनके साथ जो उनको जेल से छुड़ाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले माननीय विशंबर प्रसाद निषाद लगातार आरक्षण की आवाज़ उठाते रहे। भाजपा आरक्षण न देकर के वीरांगना फूलन देवी के अपमान पर तुली हुई है, क्योंकि वीरांगना फूलन देवी की जब हत्या हुई थी तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में थी, और उसी दौरान हत्या हुई संसद सत्र के बाद के दौरान, जहाँ यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार चल रही थी। और ऐसी सरकार जिसमें हत्या हुई, आज उसी सरकार में जब मोदी सरकार केंद्र में है और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, उनका हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, और कैसे भाजपा प्रवक्ता वीरांगना फूलन देवी की अपमान कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देखें। ये साभार हम वीडियो दिखा रहे हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे समाज को जागरूक किया जा सके। क्योंकि निषादों के कुछ ठग और महाठग पैसों के लिए भाजपा का सहयोग कर रहे हैं, और जिससे भाजपा जहाँ निषादों के आरक्षण के साथ साथ उनकी नावों को तोड़ करके उनको बेरोजगार करने पर तुली हुई है, ये आपको एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। मतलब ये मैंने क्या ये समस्या बताई है? ये बताइए, फूलन देवी क्या थी? ऑफिशियली डकैत थी कि नहीं? देवी एक पीड़ित महिला थी, व्यवस्था की पीड़ित थी। इतना महिला विरोधी, इतना पिछड़ा विरोधी, इतना संवेदनहीन, इतना मानवता विरोधी। सामूहिक बलात्कार हुआ था इसके साथ, नंगी करके गांव में घुमाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ, बात सही है। तो आप क्या कह रहे हैं? मतलब उसके आधार पर गोली मारने का हक है? और मैं केवल घृणा करना जानते हैं, नफरत क्या तरीका बहस करने का? केवल आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया। आप गलत बात कह रहे हैं। नहीं, गलत बात नहीं, मैं सही बात कह रहा हूँ। उसने 20 लोगों की हत्या की, नहीं बोलिए हाँ या ना, सुनिए 120 एक बात सुनिए 120 एक मिनट आपके मुख्यमंत्री खिलाफ दस मुकदमे थे। एक मिनट अपराधियों को संरक्षण देते हैं। एक मिनट सुनिए, एक बात, अपराधियों की संरक्षण दाता केवल एक पार्टी है जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकालती है, जो उसका नाम है बीजेपी। हो जाती है तिरंगा, बीजेपी लड़कों से गलती हो जाती है। अब सुनिए एक मिनट, क्या उन 20 लोगों ने रेप किया था? किस लिए मारा? 20 लोगों को नहीं हुआ था, किस लिए मारा था आपने कहा? और दूसरी बात सुनिए, उसके साथ रेप हुआ था नहीं हुआ था ये बताइए। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो आपको दिखाई जा रही है, इस पर जो जानकारी शेयर की जा रही है, ये सारी जानकारी आपको गूगल पर सर्च करने पर आपको मिल सकती है। लोग आरोप लगाते हैं कि वीरांगना फूलन देवी की हत्या समाजवादी पार्टी के सरकार या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कराई, जबकि ये पूरी तरह से विदित है। आप इस वीडियो में देख रहे थे पीछे कि किस तरह से भाजपा जो है फूलन देवी से चिढ़ती है, और आज उनका हत्यारा कैसे खुला घूम रहा है। और वीरांगना फूलन देवी एक निषादों की शांति आंथी वर्ल्ड की चौथे नंबर की क्रांतिकारी महिला थी, जिसने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का खुद बदला लिया। क्योंकि आज जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार भाजपा की सरकार में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बलात्कारी उनके जो संरक्षण भाजपा के सरकारों में मिल रहा है, उनके सांसदों पर बलात्कार के आरोप होने के साथ साथ, मंत्रियों पर आरोप होने के साथ साथ, वो जेल में भी बहुत सारे सजा पाए हुए हैं या बंद हैं। आपने कई कांड इस तरह के देखे हैं, उन्नाव कांड रहा हो या चिन्मयानंद कांड रहा हो, ऐसे बहुत सारे कांड हैं। वही सरकार जिस तरह से भाजपा में बलात्कारियों को संरक्षण मिलता है, तो भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का जो आपने अभी देखा था वीडियो, वो सच साबित करता है कि भाजपा बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है और महिलाओं के सम्मान को एक तरह से ठेस पहुँचाने वाली पार्टी है। केवल गुलाम टाइप के लोग, गुलाम टाइप की
महिलाएं उनके साथ सहयोग करें, इस तरह की महिलाओं को वो चाहते हैं। तो एकलव्य मानव संदेश लगातार निषादों के आरक्षण, निषादों की सम्मान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा, जिसमें माननीय विशंबर प्रसाद निषाद सांसद जो राज्यसभा के हैं, जो 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार लोकसभा सदस्य रहे, 2 बार से लगातार राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के मुख्य महासचिव भी हैं पार्टी के, और साथ में मुख्य सचेतक हैं राज्यसभा में। ऐसे सांसद जो हमेशा राज्यसभा से लेकर के लोकसभा से लेकर के विधानसभा से लेकर के सड़क से लेकर के हर जगह अपना निषादों के आरक्षण और निषादों के हर तरह के जुल्म के खिलाफ अपना प्रदर्शन करते रहें, अपने आप अपनी शक्ति दिखाते रहें, हम सभी को आज ये एक मौका है कि अगर हम ऐसे नेता को जो 30 साल से ज़्यादा राजनीति में हैं, हमारी आवाज़, हमारी शान, हमारी हर तरह के उनके पास एक अनुभव है, हम अगर नेता मान करके जिनको ना हमारे किसी चंदे की ना किसी तरह के और पैसे की ज़रूरत है, केवल हम और आपको ज़रूरत है कि उनका सहयोग करके आने वाले चुनाव में 2022 में भाजपा को हराने के लिए जो पार्टी सहयोग बड़ी है, जो पार्टी भाजपा को हरा सकती है, उस पार्टी को एक बार जब तक हराएंगे नहीं, भाजपा को पता नहीं लगेगा कि निषादों की कितनी शक्ति है, और निषाद अगर भाजपा को हराते हैं तो भाजपा को आगे आने वाले समय में मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे आरक्षण को 2024 से पहले लागू करें। अगर नहीं करती है तो 2024 में फिर मोदी सरकार को, क्योंकि आपने देखा कोरोना काल में किस तरह से देश के अंदर लोगों को चलने के लिए गाड़ियां नहीं दी जा रही थी, लेकिन आज भाजपा अपने रैलियों के लिए गाड़ियों का इंतजाम करती है, किस तरह से रेलों को महंगे किराए के माध्यम से चलाया गया, किस तरह से LPG और पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ाए गए, किस तरह से आज सीमेंट महंगी, हर तरह की GST महंगी, बहुत सारे जो आपने देखा नोटबंदी, हर तरह से सरकार ने केवल लूट करके अडानी अम्बानी, आज अडानी जैसे उद्योगपति को 1,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया कमाने का मौका देने वाली सरकार गरीबों को और गरीब करने पर तुली हुई है। 80 करोड़ लोग आज भुखमरी के कगार पर इस देश में हो, जिनको 5 किलो अनाज दे करके सरकार उनको अपना वोट बैंक बना करके सत्ता में आना चाहती है। ऐसी सरकार को खाड़ फेंकने के लिए एकलव्य मानव संदेश और माननीय राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद आपका आह्वान करते हैं कि अगर सरकार देश में गरीबी फैला रही हो, देश में सरकार ऊंच नीच का भाव रखती हो, महिलाओं के संरक्षण की बात की जगह महिलाओं का अपमान करती हो, वीरांगना फूलन देवी जिस तरह से हमारे समाज की शान थी उनका अपमान किया जाता हो, क्योंकि हमारे समाज में ठग और महाठग इस तरह के नेता पैदा हुए हैं जो जिनको सबक लेना चाहिए, जिस तरह से टिकैत राकेश टिकैत ने बिना झुके आज सरकार को मजबूर किया कि 3 काले कानून वापस लिए, जब पूरा विपक्ष उनके साथ था, आज भाजपा सरकार जब हारने लगी है कई प्रदेशों में तो अब कुछ आकर के वो राहत देने की दिखा रही है, दिखावा कि अब LPG गैस की सब्सिडी भी बहाल करेंगे, अब जो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे, इसको उखाड़।